हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम फिर से एक और टीकाकरण रेडी करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स के अकॉर्डिंग पाइल्स रेडी कर रखी हैं। सो आपके पार्टनर जिनके बारे में भी अभी आप सोच रहे हैं, उनका नेम लेटर, जो भी उनका फर्स्ट, उनके नेम का फर्स्ट लेटर है, उस लेटर के अकॉर्डिंग आप पाइल चूज करें। फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और कुछ मैसेज भी देखेंगे उनकी तरफ से। सो होप आप लोगों ने पाइल चूज कर ली है। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज किया है, देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। We need 6 cards. Okay. Wow. Wow, guys. बहुत positive card है, बहुत ही positive card है। So जिन्होंने भी पहले मैं वन चूज किया है, चलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इस कार्ड की बात कर लेते हैं। सो अभी आपके जो पार्टनर हैं वो एक्शन लेने के मूड में है। डजंट मैटर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या नहीं, बट आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने अभी फोकस कर लिया इस रिलेशनशिप में, वो फोकस्ड है अपने डिसीजन को लेके, उन्होंने डिसीजन लेने का सोच लिया है। अभी वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, और अभी वो सोच रहे हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ना है आपकी तरफ। सो अपनी पावर में है ये इंसान, अपनी पावर में है और बहुत ही मैच्योर एनर्जी में है। अगर पास्ट में ये इमैच्योर एनर्जी में थे, बट अभी ये मैच्योर एनर्जी में आ चुके हैं। अभी ये मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव, आपके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स, आपको अबंडेंट देखते हैं। आपको हो सकता है, आप जो मेरे व्यूवर हैं, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है देन लव। सो आपने दिखा दिया कि चाहे लव आपके साथ रहे या ना रहे, बट आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, और ये बात इनको बहुत अच्छी लगी, और इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, आपके पास सब कुछ है। सो ये जो पर्सन है ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे आपके पास सब कुछ है, आपको किसी की कमी ही नहीं है। अगर ज़रूरत है तो इनको आपकी ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा वो अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। अगेन गाइज, जो मेरे व्यूअर हैं आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सन है, सी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है। मैंने कहा था ना आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी हो रखे हैं। मतलब जब ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपका जो फिजिकल अपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये आपका जो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, मैंने अभी कहा ना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इनको आपकी तरफ, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप दिखने में, आप लुक्स वाइज भी बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है जो मेरे व्यूवर हैं, आपके पार्टनर नहीं, आप गुस्सा हैं आप अपने पार्टनर से। सो हो सकता है आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो और आप वेट कर रहे हैं कि आपको मनाएं, तो गाइस ये आने वाले हैं, ये आपको मनाने वाले हैं। लास्ट में आपके बीच जो भी इश्यूज रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपको एज अ स्टार देखते हैं, जो मेरे व्यूवर हैं आपको एज अ स्टार देखते हैं, आप इनकी लाइफ में एज अ स्टार शाइन करते हो गाइस। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे फेमस हो,
हो सकता है आपकी आवाज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तरस रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, जो सेपरेट हैं। आप अपने पार्टनर के लिए उनकी हैप्पीनेस का सोर्स हो, आपके अलावा इनको कोई खुश नहीं रख सकता। आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं और अभी उनको कमी फील हो रही है, अभी इनको कमी फील हो रही है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो आप इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो खुशियाँ थी वो आपसे थी। क्यों? क्योंकि आप इनकी फुलफिलमेंट हैं। सी, विशेज कम ट्रू, आप वो पर्सन हैं, ड्रीम्स फुलफिल, जो उनके ड्रीम को फुलफिल करता है। सो एक मैजिकल टाइम था जब आप इनके साथ थे और वो टाइम इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ये आपके साथ फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं और आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। सो आप इनकी हैप्पीनेस का सोर्स हैं, आप इनको फुलफिल करते हैं, आप इनकी विश कम ट्रू हैं। इनकी हमेशा से इच्छा थी, है और रहेगी आपके साथ रहने की। ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं गाइस। आपको एज अ स्टार देखते हैं, आप एज अ सन शाइन करते हैं इनकी लाइफ में। आप इनके लाइफ में एक लाइट लेके आए हैं। सो यहाँ पे साइंस की अगर बात करें तो यहाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर या आपके साइंस हो सकते हैं ये। और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे अर्थ भी है। सो यहाँ पे सारे साइंस हैं। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। इस वक्त अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, 5 मैसेज निकालेंगे। Nobody can understand me than you. So, कहा था ना मैंने, आप इनको फुलफिल करते हैं, आप इनकी लाइफ में शाइन लेके आए हैं, लाइट लेके आए हैं। और आपने इनको जितना समझा ना, उतना इनको कोई नहीं समझ सकता। Doesn't matter for me how do you look, इनको मैटर नहीं करता। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट अगर आप ऐसे नहीं भी होते तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी इनर ब्यूटी से लव करते हैं। आई सी योर पिक्चर्स, सो आपकी पिक्चर्स देखते हैं गाइस, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं और स्टूपिड की तरह स्माइल करते हैं। Forgive me please, हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक की हो, इन्होंने कुछ आपको गलत बोला हो या कुछ गलत डिसीजन इन्होंने ले लिए इस रिलेशनशिप को लेके, बट अभी ये आपसे सॉरी हैं, ये अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। लास्ट वी हैव यू टेल मी लाई, सो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं ना, आप ना आपके पास कोई डाउट छोड़ने वाले हैं ना ये कोई डाउट में रहेंगे। आपका डाउट भी क्लियर करेंगे, खुद का डाउट भी क्लियर करेंगे। अगर इनको लग रहा था कि आपने इनसे झूठ बोला है या बोलते हो, तो ये पूछेंगे अभी डायरेक्टली आके। चल ये भी देख लेते हैं। आई नो यू आर लॉयल, सी भले ही आपने इनसे कितने भी झूठ बोले हो, बट इनको विश्वास है कि आप ये जानते हैं अच्छे से कि आप एक लॉयल पर्सन हैं। सो गाइज, ये थी छोटी सी रीडिंग पैल नंबर 1 की। होप आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आई है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पायल नंबर 2, सो जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की थी, चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, डजंट मैटर आप दोनों सेपरेट हैं या नहीं, डजंट मैटर आप दोनों की सिचुएशन क्या है गाइस, चाहे आप साथ हो या ना हो। यहाँ पे हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। फॉर ऑफ स्प्रिंग, ओके, प्रिंसेस ऑफ विंटर, ओके, एंड वाओ जस्टिस, एट ऑफ समर, प्रिंस ऑफ समर, ओके, 6
सिक्स ऑफ विंटर. ओके ओके ओके. ईगो. ओके सो लेट्स सी वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट कार्ड वी हैव. ओके सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फोर ऑफ स्प्रिंग. यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं होगा, रेजोनेट नहीं होगा, बट यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हैं आपके. ओके सो आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपसे क्लियर हो गया. अभी यहाँ पे मेरे को जो सनार यहाँ पे जो भी सिचुएशन मेरे को समझ में आई है वो मैं आपको बता दूँ. यहाँ पे ऐसा हुआ है कुछ कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे. आप इनसे शादी करना चाह रहे हैं बट आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आपने क्या किया, मूव ऑन किया, सिचुएशन से मूव ऑन करना पसंद किया. अभी आप अपनी पावर में हैं, जो मेरे व्यूवर है आप अपनी पावर में हैं. आपने इनको साफ साफ बोल दिया है कि या तो मुझे कमिटमेंट दो अदरवाइज अपने काम से काम रखो. सो यहाँ पे एक सिचुएशन तो ये नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ इश्यूज रहे हैं कि आपके पार्टनर ईगो में रहे हैं, अपने ईगो सेल्फ में रहे हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहे हैं. इन्होंने ये आपको लेकर पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हैं और आपके पार्टनर दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस. बट यहाँ पे मुझे एक ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ तो गलत किया है पास्ट में, वरना यहाँ पर जस्टिस का कार्ड नहीं आता. ये जस्टिस का कार्ड मेजर अर्काना का कार्ड है जो कि बता रहा है कि इस सिचुएशन में जस्टिस आएगा, मेरे व्यूवर्स के लिए आएगा. सो अगर गॉड आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, इट मीन्स आपके साथ कुछ तो पास्ट में गलत हुआ है इस रिलेशनशिप में, या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है या सिचुएशन ऐसी रही जिससे आप हर्ट हुई. सो ये दो सिचुएशन मुझे लग रही है. चलिए आपसे जो रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर आपसे मैरिज चाहते हैं बट ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, अपने ईगो में है. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ईगो है और ये मैं अभी इस वक्त ये दोनों की पावर है. आप भी ईगो सेल्फ में हैं, अगर आप ईगो सेल्फ में नहीं हैं जो मेरे व्यूअर हैं, आप ईगो सेल्फ में नहीं हैं बट आप सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. अभी आपने डिसाइड कर लिया या तो ये सुधर के आपके पास आए अदरवाइज अकेले ठीक है. आपने ये डिसाइड कर लिया भले ही मैं अकेली रहूँगी या रहूँगा बट इस इंसान को तभी एक्सेप्ट करूँगा जब ये अपने ईगो को छोड़ के दिल से डिसीजन ले और आपको कमिटमेंट दे. ऐसा नहीं है यहाँ पे इन एंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं आपको पसंद. अभी आपके पार्टनर यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी लग रही है कि आपके पार्टनर ने भी सिचुएशन को छोड़ा है या आपको मजबूर कर दिया ऐसा डिसीजन लेने पे जिससे आप अभी सेपरेट हो चुके हैं. यहाँ पे बहुत से लोग सेपरेशन में हैं. आपके पार्टनर दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है बट ये आपके बिना खुश भी नहीं है गाइस. बट क्या करें, ईगो बीच में आ रहा है, बोल के तो कहेंगे नहीं. जब से आपने मूव ऑन करने की कोशिश की इस सिचुएशन से अपने पार्टनर से, तब से इनकी हालत भी ख़राब है, ये भी मैं बता दूँ. रेस्टलेस हो चुके हैं, कहीं आराम नहीं है इनको. शादी तो ये भी चाहते हैं आपसे करना बट चाहते हैं कि आप अप्रोच करें. अपनी गलती नहीं मानने वाले ये इंसान, ऐसा इंसान है जो अपनी गलती नहीं मानेगा. ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है. सो आपके जो पार्टनर हैं आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं बट आप अभी अपनी पावर में हैं. सो आपके पार्टनर भी अभी अपने पावर में हैं. सो जब तक आप दोनों अपने अपने पावर में रहेंगे तब मुझे नहीं लगता कोई आगे बढ़ने की सोचेगा, क्योंकि वो ऐसा सोचेगा कि आप डिसीजन लो, आप एक्शन लो और आप ये सोचेंगे नहीं अभी सामने वाला ही एक्शन लेगा. सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रखी है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो और ना ही आप रिकनेक्ट हो पा रहे हो. सो सिचुएशन बहुत उलझी हुई है यहाँ पे. हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो. यहाँ पे मैं साइंस क्लियर कर देती हूँ. सो एरिस लियो सजिटेरियस, यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एंड वाटर साइन भी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. यहाँ पे
अर्थ साइन नहीं है, बट डजंट मैटर गाइज, एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके साइंस क्या हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही जनरली आपको बता दिया। चलिए अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कि अगर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते अगर तो क्या कहते। चलिए यही निकल के आया है, आई विल बी टुगेदर। सो आपके साथ मैंने कहा ना आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी विश है आपसे शादी करना, आपसे मैरिज करना, बट अभी अपनी अपनी ईगो सेल्फ में है। आई एम हीलिंग, इनकी हीलिंग हो रही है गाइस, ये खुद को हील कर रहे हैं। ओके, आई कैन फील यू एवरीवेयर, ये आपको हर जगह फील करते हैं गाइस, ये हर जगह आपको फील करते हैं, बट बताएंगे नहीं। नहीं बताने से इनका ईगो हर्ट होगा ना। आई एम स्पीचलेस, अभी इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने को। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है इनके पास बोलने को, इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि बोलें क्या करें क्या। बट गाइज बहुत अच्छा कार्ड आया है मेरे व्यूवर्स के लिए, जस्टिस। आपको रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा, आपको सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा। लास्ट वी हैव, आई सी योर पिक्चर्स। सो गाइज ये आपकी पिक्चर्स देखते हैं, या इन शॉर्ट में कहूँगी आपको स्टॉक करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, आई सी माई फ्यूचर विद यू। मैंने क्या कहा था, ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। गाइस ये कार्ड अलग से छूट गया था और ये मेरी नज़र अभी इसी पे गई है, और इंट्यूशन आई कि शायद ये पढ़ के बता दूँ आप, हो सकता है ये पढ़ने की तरफ से मैसेज हो। सो एवरीबडी हैज़ एन एडिक्शन, माइंड जस्ट हैपन टू बी यू। सो सभी का कुछ ना कुछ एडिक्शन होता है, इनका एडिक्शन यही है कि आप क्यों ना चाहते हैं, बट आगे से अप्रोच आप करें, चाहते ही हैं। सो ये टोटली आप पे डिपेंड होगा आपकी सिचुएशन क्या रही है, आप मुझसे बेटर जानते हैं आपकी सिचुएशन क्या रही है। और जनरल रीडिंग है गाइज, सभी की सिचुएशन अलग अलग होगी, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा कि आपको आपको एक्शन लेना है या नहीं, या इनका वेट करना है। सो ये थी पहले नंबर 2 की रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।